से जुलाई लास्ट 24 आवर्स में नॉर्थ कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, रेस्ट ऑफ द एरिया में मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश हुआ है। हैवी रेनफॉल भी एक दो जगह करके हुआ है। मेनली मयूरभंज, पुरी, जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठाकुरमुंडा में हाइस्ट रेनफॉल है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में 77.0 मिलीमीटर, उसके बाद पुरी का ऑस्टरेंगा 72.0 मिलीमीटर, बालीकुड़ा जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में 70.0 मिलीमीटर, भुवनेश्वर सिटी में रेनफॉल था लाइट रेनफॉल 2.1 मिलीमीटर और हमारा स्टेट एवरेज रेनफॉल था 7.8 मिलीमीटर। अभी सीजनल रेनफॉल का जो स्थिति है 1 जून से आज 31 जुलाई तक टोटल रेनफॉल हुआ है 483.4 मिलीमीटर, 550.7 मिलीमीटर स्वाभाविक होता है, 12% कम है, स्वाभाविक रेंज में ही है। मलकानगिरी देवघर डिस्ट्रिक्ट में स्वाभाविक से ज्यादा बारिश हुआ है, एक्सेस बारिश, और 16 डिस्ट्रिक्ट में स्वाभाविक बारिश हुआ है, 12 डिस्ट्रिक्ट में स्वाभाविक से कम हुआ है, पर सभी जगह में अभी ग्रेजुअली डिफिशियंसी कम हो रहा है। जुलाई महीना में हमारा स्वाभाविक ही बारिश हुआ है, 319.7 मिलीमीटर बारिश हुआ है, 341.4 मिलीमीटर होता है। 4 डिस्ट्रिक्ट में हमारा स्वाभाविक से ज्यादा बारिश हुआ है, 19 डिस्ट्रिक्ट में स्वाभाविक है और 7 डिस्ट्रिक्ट में स्वाभाविक से स्लाइटली कम है। अभी हमारा कल जो लो प्रेशर एरिया था, आज सुबह वेलमार्क लो प्रेशर एरिया हुआ है और नॉर्थ बे ऑफ बंगाल एंड नेबरहुड एरिया में है। इसका प्रभाव में हमारा अगला 3-4 दिन में उड़ीसा में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में बारिश रहेगा, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी होने का चांसेस है। जैसा नेक्स्ट 24 आवर्स में हमारा नॉर्थ कोस्टल विशाखा सभी डिस्ट्रिक्स मयूरभंज, केवंझर, ढेंकनाल, अंगुल, देवघर, सुंदरगढ़, संबलपुर, सोनपुर, बौद्ध, कंधमाल, रायगढ़, नवरंगपुर, कोरापुट, पुरी, ये सब डिस्ट्रिक्ट में और नॉर्थ कोस्टल विशाखा सभी डिस्ट्रिक्स मीन्स बालासोर, भद्रक, जाजपुर, कटक, केन्द्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, ये सब सभी डिस्ट्रिक्ट में, भद्रक, ये सब सभी डिस्ट्रिक्ट में बारिश हैवी रेनफॉल का वार्निंग है। मयूरभंज, बालासोर, भद्रक में वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। फिर कल 1 एंड 2 अगस्त में रेनफॉल एक्टिविटी इंटेंसिटी वाइज इंक्रीज करने का चांसेस है, ज्यादा एरिया में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी, वेरी हैवी रेनफॉल भी होने का चांसेस है। फर्स्ट मीन्स कल हमारा वार्निंग जो है मयूरभंज, केवंझर, अंगुल, ढेंकनाल, जाजपुर, भद्रक, देवघर, संबलपुर, कटक, सोनपुर, बौद्ध, सुंदरगढ़, बालासोर, ये सब डिस्ट्रिक्ट में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल और बाकी नॉर्थ उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल, साउथ उड़ीसा का बाकी नयागढ़, खुर्दा, पुरी, कंधमाल, कालाहांडी, बोलांगीर, नवापुरा में हैवी रेनफॉल हो सकता है। फिर 2 अगस्त में हमारा मेनली इंटर उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ इंटर उड़ीसा, नॉर्थ वेस्ट उड़ीसा का मीन्स नॉर्थ इंटर उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट और एडजॉइनिंग साउथ इंटीरियर में हैवी टू वेरी हैवी और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल का चांसेस है। फिर 3 अगस्त में नॉर्थ इंटीरियर में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में बारिश रहेगा, एक दो जगह में हैवी रेनफॉल हो सकता है बट स्लाइटली कम हो जाएगा। फिर 4 अगस्त में रेनफॉल और भी रिड्यूस होने का चांसेस है और भुवनेश्वर सिटी में आज एक दो स्पेल्स करके हल्का से मध्यम बारिश होने का चांसेस है, एक दो इंटेंस स्पेल भी हो सकता है। कल भी हमारा भुवनेश्वर सिटी में फ्यू स्पेल सा बारिश रहेगा, एक दो इंटेंस स्पेल भी बारिश होने का पॉसिबिलिटी है। और फिशरमैन का वार्निंग है, फिशरमैन का कल से 3 तारीख तक समुद्र जाने के लिए मना किया है क्योंकि लो प्रेशर, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है, इसका फर्दर इंटेंसिफिकेशन भी हो सकता है और स्क्वाली वेदर होने का चांसेस है अलोंग एंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट, नॉर्थ बे ऑफ बंगाल, एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल। तो कल से मीन्स 1 तारीख से 3 तारीख तक समुद्र जाने के लिए मना है।